ये कुछ नई चीज़ है, ये जो है नाड़ी बल है, ये आधुनिक घड़ी की तरह कि 325 जो है इसका क्या काम था। तो इस पर भी कुछ सूरज का एंगल है, एंगल कितनी देखिए। क्या कर रही हैं यहाँ अकेले बैठ के? आप पानी वगैरह जरूर कैरी करें, बाकी उस सीढ़ी पे चढ़ना अलाउड नहीं है। जिसमें हवा महल मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है, तुर्की है। एग्जैक्ट तो अभी हमने देखा है, अभी लास्ट हवा महल को। तो अभी हम देखने जा रहे हैं जंतर मंतर को। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको रास्ता पूरा, जो पैदल डिस्टेंस पे ही है। तो भाई जो रास्ते हैं ज़्यादा साफ़ नहीं है, और यहाँ पे भाई टॉयलेट की भी बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो भाई अपन जो रिव्यू देते हैं ना बिल्कुल ओरिजिनल देते हैं, जो चीज़ सही है उसके लिए सही रिव्यू देंगे, और जो चीज़ गलत है तो उसके लिए गलत रिव्यू देंगे। और जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, और ये देखिए टूटी फूटी रखे हैं सामान, वो यहीं पड़े हुए हैं, इनको साफ़ सफाई भी नहीं की जा रही है। ओहो, ये कुछ नई चीज़ है जो पिलर्स हैं। तो भाई ये जंतर मंतर के रास्ते पर आ गए हैं अपन। तो भाई ये है कबूतरों का दाना वगैरह डालने की जगह, तो आपको यहाँ पे ये कबूतरों के दाने भी मिल जाएंगे। ये हवा महल में हमने अंदर से देखा था तो काफ़ी साफ़ था, लेकिन उसका फ़ायदा क्या अगर आपका सराउंडिंग जो है वो क्लियर नहीं हो। तो दोस्तों जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है अभी, और काफ़ी गर्मी भी लग रही है। सुबह पहले तो हमें लग रहा था कि हमें कुछ जैकेट वगैरह लेकर आने चाहिए, क्योंकि ये मार्च का पहला ही वीक है, लेकिन अभी बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में अभी अपन। एंट्री का इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी यार यहाँ पे एंट्री हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये है जंतर मंतर का रास्ता, चलिए चलते हैं अंदर जंतर मंतर देखते हैं। और भाई एक चीज़ और बात बता दूँ मैं आपको, जंतर मंतर को भी देखे हुए मुझे तकरीबन 12 से 15 साल हो चुके हैं। तो देखते हैं इसका भी कितना अच्छे से नगर निगम ने इसको मेंटेन किया हुआ है। नगर निगम की छाप यहाँ पर है, तो वहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ी बहुत दिख रही है। हाँ तो जी, अगर आपको शॉपिंग वगैरह करनी है, राजस्थानी घाघरा चोली कहा जाता है जिसको, तो भाई आप यहाँ से ले सकते हो। टी शर्ट वगैरह अगर आप चाहते हो तो ये देखिए मुस्टैस वाली जो टी शर्ट्स हैं आपको मिल जाएगी। तो भाई आ गए अपन टिकट काउंटर की तरफ। तो ये है कुछ टिकट काउंटर, तो यहाँ पे नो मास्क नो एंट्री का तो हर जगह लिखा हुआ है, बट अंदर जाके कोई भी मास्क नहीं लगाता, ये हमने नोटिस किया है। ये है कुछ टिकट का जो रेट है, तो हमें देना होगा 50 रुपीज़। बाकी इंडियन स्टूडेंट हो तो आपको 5 रुपये लिखा हुआ था पहले, बट यहाँ पे 20 रुपीज़ लिखा हुआ है। और अगर आप फॉरनर हैं तो आपको देना होगा 200 रुपये। और टाइमिंग आपको दे रखी है 9 से 4:30, बट ये 5:30 होता है यहाँ पे। तो हमारा टिकट रेडी हो रहा है भाई, तो आ गया अपना टिकट। तो ये भी वही सेम टिकट है 50 रुपीज़ का। तो यहाँ पे एक कंपोजिट टिकट का भी एक कल्चर है, मतलब आप अगर कंपोजिट टिकट लेना चाहते हैं जिसके अंदर आप सारे जो फोर्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं, लाइक आमेर, जल महल, नाहरगढ़, जयगढ़, जंतर मंतर म्यूज़ियम, तो ये कुछ कंपोजिट टिकट में हो जाता है। तो भाई यहाँ पे भी वही पंच कर दिया गया है, और हम आ गए हैं भाई जंतर मंतर के अंदर। तो भाई जंतर मंतर के बारे में बता दूँ मैं, ये पिछले जो राजा महाराजा के ज़माने का कैलकुलेटर हुआ करता था, जिसके माध्यम से ये टाइम के बारे में पता करते थे। जो तिथियाँ होती थी, हिंदी तिथियाँ जितने भी हैं, ये है यंत्र राज, ये है नाड़ी बल्ले। तो भाई ये जो है नाड़ी बल है, ये आधुनिक घड़ी की तरह ही दिखता है, जो आज की जो घड़ियाँ हैं, जिसमें आपको टाइम वगैरह एक्यूरेटली दिखता था उस ज़माने में, जिस ज़माने में घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो ये एक्यूरेट टाइम बताने के काम में आता था। तो भाई ये आपको दिख रहा होगा, ये सनडायल है जो कि AM और PM के डिनोट करता है। तो ये अभी हमारा जो है PM ख़त्म हो रहा है, और फिर जब इसके बाद ये AM स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अभी जो टाइम हो रहा है वो है 4:02, तो 4:00 हो चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है, जैसा कि वो गाइड बता रहा है कि 3:25 जो है ये टाइम बता रहा है, बट अभी हमारे एक्चुअली घड़ी के अंदर टाइम हो रहा है 4:02, तो थोड़ा थोड़ा सा तो डिफरेंस है मतलब कहीं ना कहीं। और इन पे सारे मापक लगे हुए हैं, ये देख रहा होगा आपको वो दूर तक, तो जैसा कि स्केल पे लिखा जाता है उसी तरीके से यहाँ पे टाइमिंग का दिया हुआ है, कि सूरज की रोशनी से पता किया जाता था कि किस टाइम क्या हो रहा है अभी। तो यार ये है कुछ चक्र यंत्र, इसका क्या काम था। तो इस पे भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं,
और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है चक्री यंत्र के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इसको कपाली यंत्र कहा जाता था और ये भी कपाली यंत्र का ही एक दूसरा हिस्सा है। बाकी अपन आगे चलते हैं और देखते हैं। तो भाई यहाँ से आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते थे पिछले ज़माने में कि जो सूरज का एंगल है, एंगल ये कितने डिग्री पर वो अभी झुका हुआ है या कितने डिग्री एंगल पे वो अभी है, तो उसके लिए इस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका था इसको राम यंत्र के नाम से जाना जाता था। तो ये लिखा हुआ है राम यंत्र, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी अच्छी ग्रीनरी है, तो टूरिस्ट यहाँ पे आराम भी फरमा रहे हैं। तो काफ़ी धूप ज़्यादा है, धूप ज़्यादा होने के कारण लोग बाग यहाँ पे मतलब छाया की तरफ बैठे हुए हैं। जैसे ही थोड़ा सा सनसेट होने के टाइम आएगा तब लोग बाग यहाँ पे घूमना स्टार्ट करेंगे। और सेम जैसा कि मैंने राम यंत्र दिखाया था उसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरी इमारत भी बनी हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे भी एंगल्स दिए हुए हैं कितने डिग्री पे क्या घूमता था, तो सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंग माप यहाँ पे किया जाता था। तो भाई ये कुछ है दिगंसा, तो ये भाई प्रवेश तो वर्जित है बट हम देखेंगे फिर क्या है। ओह क्यू टिकेट, क्या कर रही है यहाँ अकेले बैठ के? हाँ तो भाई वो देखिए बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई है मज़े से, क्योंकि यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है तो आराम फरमा रही है, तो उसको आराम करने देते हैं। तो यहाँ से अपन चलते हैं और देखते हैं कुछ दूसरी इमारतों की तरफ जो कि बड़ी बड़ी हैं, जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो भाई ये है कुछ क्रांतिव्रत यंत्रम, तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको। क्रांति वृत्त, तो दोस्तों बता दो यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो आप पानी वगैरह ज़रूर कैरी करें। और वैसे तो यार 2-3 घंटे में आप पूरा जंतर मंतर और हवा महल को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट फिर भी खाने का थोड़ा बहुत साथ में रखे सामान। तो अभी अपन चल रहे हैं उस यंत्र की तरफ, तो देखते हैं पास जाके कौन सा यंत्र है। और भाई साफ़ सफाई के लिए मैं इसको भी 9 out of 10 दूंगा, क्योंकि हर जगह पर आपको डस्टबिन मिलेगा और एक भी जगह आपको कचरे का तिनका तक नहीं मिलेगा। तो ये है कुछ रसी वाल्या, तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, तो इंग्लिश और अदर साइड में आपको हिंदी में मिल जाएगा। तो राशि वाले यंत्र है ये। और दोस्तों एक चीज़ बता दूँ मैं, जो राशि वाले है जयपुर जंतर मंत्र के अलावा कोई से भी जंतर मंत्र में ये अवेलेबल नहीं है। इवन दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ा जंतर मंत्र है उसमें भी ये अवेलेबल नहीं है। तो राशि वाले जयपुर के पास है जो कि यूनिक है, तो आपको ये दिख रहा होगा हर जगह पे। तो ये खगोल की जितनी भी घटनाएं होती थी उसको मापने के लिए और ग्रह तारों की दिशा को जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो आपको दिख रहा होगा वर्गो कैंसर जो जितने भी हैं यहाँ पे राशियों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ पे है वृष राशि और टॉरस जिसे कहते हैं, और बाकी वो है जैमिनी मिथुन राशि, और उनके जो जातक हैं जो उनकी इमेजेस हैं वो यहाँ पे लगी हुई है। तो बहुत ही बारीकी से बनाई गई इमारतें हैं ये। तो भाई आज के ज़माने में भी ऐसी इमारतें बनाना बहुत मुश्किल है, बट उस ज़माने में बनाना यार कितने माइंडेड लोग होते होंगे, तो इस चीज़ का अंदाज़ा आप उनके इमारतों को देख के लगा सकते हो। और ये देखिए कितनी विशाल है ये दीवारें, और वो जो सीढ़ियाँ जा रही है वो एक्चुअली काफ़ी ऊँची है यार, वो इवन बाहर रोड से भी दिखाई देती है। चलिए उनके पास चलते हैं, उनके पास जाके लेते हैं पिक्चर। तो फॉरेनर टूरिस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नहीं है, पूरे इंडियन टूरिस्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग, हमें कन्नड़ भी सुनने को मिली, तेलुगु भी सुनने को मिली, अभी पंजाबी, ये देखिए तेलुगु में बात कर रहे थे यार। और लाइट के लिए यहाँ पे लगाई है LEDs जो कि पूरा इस एरिया को जगमगाती हैं शाम के टाइम पे। तो यहाँ पे हर जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे देखने को। बाकी उस सीढ़ी पे चढ़ना अलाउड नहीं है, सिर्फ देख सकते हैं आप, तो वही हम भी देख रहे हैं। और ये देखिए जगह जगह बैठने की व्यवस्था भी है सही से, और इनका मेंटेनेंस भी सही है, ऐसा नहीं है कि टूटी हुई है जंग खाई हुई है। ये देखिए बिल्कुल न्यू ब्रांड लग रही है अभी भी, ये देखिए
तो नीचे चल के आते हैं और देखते हैं नीचे से कैसा नज़ारा है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यार। षष्ठांग यंत्रम, तो ये कुछ षष्ठांग यंत्रम है जैसा कि आपको दिख रहा हो, और बहुत ही विशाल विशाल इमारतें हैं जिसके अंदर अपन भी घुसे हुए हैं। यहाँ से हवा का जो है आर पार हो सकती है, इसके लिए ये बनाए हुए हैं। बाकी यहाँ पे कोई चढ़ तो सकता नहीं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई पहुँच तो सकता नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी यंत्र बनाए हुए हैं, देखिए कितना विशाल है ये, तकरीबन 4 मंजिला इमारत जितना ये इसकी हाइट है, 50 फीट तो होगी कम से कम। तो ये जयपुर की कुछ बेहतरीन इमारतें हैं जिसमें हवा महल मैंने आपको सबसे पहले दिखाया, और अभी हम दिखा रहे हैं आपको जंतर मंतर। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो है जंतर मंतर का सबसे बड़ा यंत्र, जिसको सम्राट यंत्र भी कहा जाता है इसकी भव्यता के कारण, और इसकी हाइट जो है 90 फीट है। तो आपको दिख रहा होगा कितना लंबी हाइट है इसकी। तो भाई हमने हवा महल में देखा था कि वहाँ पे आपसे मास्क के लिए कहा जाता है, बट यहाँ पे कोई भी मास्क नहीं लगा के घूम रहा है, तो इसलिए हम भी नहीं लगा के घूम रहे हैं। और हम तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है सबसे, तो हमें कोई इस चीज़ का डर भी नहीं है क्योंकि हम अकेले यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप कहीं भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना अभी कम्प्लीटली गया नहीं है। तो देखिए अभी पब्लिक आ रही है, तो वहाँ से एंट्री गेट है और वहाँ से पब्लिक आने लग रही है। तो भाई आपको एक चीज़ बता दूँ, इस जंतर मंत्र को बनाने के लिए 10 सालों का समय लगा था। तो आप देखिए कितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनी हुई है। और भाई इसका जो निर्माण हुआ था वो 1724 से लेकर 1734 के बीच में सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों एक मुख्य बात आपको बता दूँ कि इस पूरी खगोल, इस पूरे जंतर मंत्र का जो निर्माण था वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह की जो रुचि थी वो खगोल शास्त्र में काफ़ी अच्छी थी, एस्ट्रोनॉमिकल जो उनका नॉलेज था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और इवन मैथमेटिक्स उनका बहुत ज़ोरदार था। दोस्तों कहा जाता है कि जय सिंह को मोर देन 5 लैंग्वेजेस में काफ़ी अच्छी महारत थी, जो जिसमें संस्कृत है, फारसी है, उर्दू है, तुर्की है, मराठी है और हिंदी। तो मोर देन 5 लैंग्वेजेस को उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान था, और मैथमेटिक्स तो आप जानते ही हो, जो कि इनकी देख रेख में बनाए पूरा का पूरा जंतर मंतर। और जो जय सिंह था उनका जो पहले नाम हुआ करता था वो विजय सिंह था, जिसका नाम औरंगज़ेब ने बदला था, और उनको सवाई जय सिंह की उपलब्धि दी थी। सवाई जय सिंह का मतलब होता है कि सवा गुना ज़्यादा, किसी भी इंसान से सवा गुना ज़्यादा, इसलिए उनको सवाई की उपाधि दी गई थी, जिसके बाद इनका नाम सवाई जय सिंह हो गया था। और इनसे पहले भी सवाई जय सिंह हुआ करते थे, लेकिन इनको सवाई जय सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ से निकलने का समय आ चुका है, काफ़ी मतलब टाइम हो चुका है, हमने यहाँ पे मतलब 2 घंटे का टाइम स्पेंड कर लिया है, जबकि हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया था विद इन 1.5 आवर। तो 1.5 घंटे के भीतर हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया था। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप के, लाइक 19 टाइप के एस्ट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट्स बनाए हुए हैं, जो काफ़ी सटीक बताते हैं ग्रहों के बारे में। तो चलिए लेते हैं यहाँ से एग्जिट। तो चलिए दोस्तों ये आपने देख लिया जंतर मंतर को, और अभी हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ जो कि खड़ी है बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन के सामने। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। यूनेस्को के अंदर भी शामिल है।